वेल फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम द सेवन एज ऑफ मैन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पूर्व जो वीडियोस में हमने फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा, इसके हमने दो वीडियोस बनाए। अभी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम स्टेंजा 5, 6 and 7। तीन स्टेंजा एक साथ पढ़ाए जाने हैं और ये तीसरा पार्ट इस कविता का है। तो इन द फिफ्थ स्टेंजा देखिए, विद आईज साव एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज souls and modern instance, and so he plays his part. The six heads sips into the lead and slippered pantaloon. In the fifth stanza, the poet says about the man or the actor who plays his part. In the fifth stanza, the poet says, in the fifth age of man plays the role of justice. His eyes are very serious in look. He has beard with suitable cutting. He is filled with good ideas and examples. He is a good advisor for the society because he has a great experience of his life. So he becomes a good advisor. And now he has his cutting formal cutting. And he always advises the people in the society. After this stage, the sixth stage starts. He becomes old. His body is very lean and thin. His trousers are very loose and wear slippery in his feet. In this stage, with eyes sharp and good and wear a formal cut. उसकी जो आँखें होती हैं वो थोड़ी सख्त होती हैं, पूरा ध्यान रखती हैं। Now he becomes a formal. वो एक सही रूप में अपने आप को पेश करता है because he has a great experience. He grown up. He has a wisdom now. So he always give the full good advice to the people. And he also follows the modern instruction of the society. हाँ, वो बिल्कुल धरातल पर है और वास्तविक विचारधारा में इस उम्र में व्यक्ति आ जाता है। तो ही इज ए वाइज मैन एंड गिव द गुड एडवाइजेस टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी, बट ही आल्सो फॉलोज द मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इस तरह से वो अपना पार्ट करता है। इन द सिक्स एज सिप्स, this was the first five phase, fifth age. Now he enters in the sixth stage. Man enters in the sixth stage, then he become lean, he grown old, he become lean, dubla patla ho jata hai, uska sharir thak jata hai, become weak, into the lean and slippered pantaloon, and he has a general slippers in his feet and he wears a loose pantaloon, अर्थात वो एक loose pant पहनता है, ढीले ढीले कपड़े पहनता है। He wears loose pantaloons and this is the sixth age of the man. Now with spectacles on nose and pouch on sides, as he grown up his eyes become dim. He is not able to see everything clearly.
सो ही हैज टू वेयर स्पेक्टल्स ऑन हिज नोज, अपनी आंखों पर नाक पर नहीं दिखने के कारण वो चश्मा पहन लेता है, वॉच ऑन साइड, एंड बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, उसके मुंह की जो चमड़ी है वो लटक जाती है, वॉच ऑन साइड, हिज फेस बिकम लूज, उसका चेहरा ढीला पड़ जाता है और उसके चेहरे पर दोनों तरफ उसके गाल लटक जाते हैं, हिज यूथफुल हॉर्स वेल सर्व्ड इन वर्ल्ड टू वाइड, लेकिन अपने जीवन की अपनी यूथ के उसके सपने उसके विचार अभी भी उसके पास होते हैं, हिज यूथफुल हॉर्स वेल सर्व्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फ्रॉम हिज श्रिंक सेंट एंड हिज बिग मैनली वॉइस, नाउ ही ग्रोन अप ही डज नॉट हैव द मैनली वॉइस, उसकी जो बैंक जो रोबीली आवाज थी वो कम हो जाती है, ही लॉस हिज मैनली वॉइस एंड बिग मैनली वॉइस एंड नाउ हिज ट्यून बिकम समवॉट वीक, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स ए चाइल्डिश फीबल पाइप्स, एंड दिस इज द सेकेंड चाइल्ड स्टेज, ही ग्रोन अप ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज आइडियाज, हिज वॉइस बिकम वीक एंड ली, सो ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज वर्ड्स क्लियरली, ही स्पीक जस्ट लाइक ए चाइल्ड स्पीक इन चाइल्ड हुड, तो दिस इज द सेकेंड चाइल्ड हुड, ये उसका दूसरा बचपन आ जाता है, वो फिर ऐसा हो जाता है, फीबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एंड वॉइस अराइज फ्रॉम हिज माउथ जस्ट लाइक ए पाइप, जैसे पाइप की आवाज आती है, बोलता कुछ है कुछ ही बोल जाता है, तो दिस इज द वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ द मैन, ही बिकम वीक लीन, हिज आईज डज नॉट वर्क प्रॉपरली, सो ही हैज टू वेयर स्पेक्टल्स ऑन हिज नोज, एंड ही आल्सो रिमेंबर सम इवेंट्स ऑफ हिज यूथ टाइम, बट नाउ ही इज ग्रोन अप, ही बिकम वेरी वीक, ही वेयर्स लूज क्लॉथ्स एंड ट्रबल्स and become the second child, दूसरा बचपन उसका आ जाता है, बच्चा ऐसा ही होता है, वैसा कमजोर हो जाता है वो, in the last stage, in the and whistles in his sound last scene of the art, और आखिरी उसका last scene आ जाता है, this is the last stage of the man, then whistle his sound, उसकी sound एक whistle की तरह से हो जाती है, अर्थात वो शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर सकता, वो बोलना कुछ और चाहता है, he wanted to speak some what else, but कुछ और बोला जाता है, उसके दांत नहीं होते हैं, विसर की तरह से सीटिंग उसके मुंह में बजने लग जाती है, snake of the all that ends his strange eventful history, और ये उसका जो eventful इतिहास होता है उसका अंत हो जाता है, it is the last stage, ends his strange eventful history, उसकी जो eventful history है वो उसका अंत हो जाता है, this is the last phase of the man, age second childhood and mere oblivious, और ये बिल्कुल उसका आखिरी last बचपन आ जाता है, बच्चे की तरह ऐसा हो जाता है, ना उसके दांत होते हैं, जैसे बच्चे के दांत नहीं होते हैं वैसे, and now he is very weak, he is unable to do anything, he became helpless just like a child, बच्चे की तरह से helpless हो जाता है, neither he can speak clearly, nor he can see clearly, nor he can express his ideas clearly, his sound is not in his control, वो बोलता कुछ है कुछ और बोला जाता है, इस second बच्चे की तरह से, and sons का होता without sons teeth, उसके दांत नहीं होते हैं, in this stage he lost all his Sons eyes, उसकी आंखें भी वो खो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। Sons of taste, he is unable to take taste, उसका taste स्वाद भी खत्म हो जाता है। And sons everything, सभी चीजों के without he becomes without everything. Neither he has teeth, nor eyes, even nor taste or sense everything. ना उसकी आंखें सही होती हैं, ना उसके दांत सही होते हैं। ना उसका कोई स्वाद रहता है मुंह पर और वो सब कुछ खो देता है तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द मैन ही बिकेम हेल्पलेस
बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है और ये आखिरी स्टेज होती है। तो इन द सेवंथ स्टेज द मैन बिकम वेरी फीबल, कमजोर हो जाता है, लीन थिन, अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू वॉक, ही हैज नो टीथ इन हिज माउथ, ही हैज नो आईज, ही हैज नो टेस्ट एंड ही हैज एनीथिंग, कुछ नहीं होता उसके पास एंड ही बिकम हेल्पलेस। दिस इज द सेवंथ स्टेज ऑफ द मैन। तो इन द फर्स्ट स्टेज द बेबी बोर्न्स एंड इन द लास्ट स्टेज द मैन गोज अवे फॉर एवर, आखिरी स्टेज में वो फिर सब कुछ छोड़कर संसार से चला जाता है। तो इन दिस पॉइंट इन सेवन स्टेज शेक्सपियर एक्सप्रेसेस द फुल लाइफ ऑफ द मैन स्टेप बाय स्टेप्स। ही सेज दैट मैन हैज सेवन स्टेज ऑफ लाइफ, ही हैज टू प्ले जस्ट लाइक ए प्लेयर्स प्ले ऑन द स्टेज, दिस होल वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर द प्लेयर्स, वी इंटरेस्ट एंड एडजस्ट। हम इस पर आते हैं और फिर वापिस चले जाते हैं। तो इस तरह से आदमी की सात स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में ही बिकम इन्फेंट, देन स्कूल गोइंग बॉय, देन लवर, सोल्जर, और फिर उसके बाद वो जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें वो जज बनता है, फिर कमजोर व्यक्ति बन जाता है। इन द लास्ट स्टेज ही बिकम वेरी हेल्पलेस। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट इन थ्री पार्ट्स। तीनों पार्ट्स को आप जरूर एक साथ देखिए। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टू स्टेज आज हैं, सेकंड पार्ट में फिर दो स्टेज आज हैं, और लास्ट थर्ड पार्ट में पाँच छः सात फिफ्थ सिक्स सेवन सेवन स्टेज आज हैं। थैंक्स।